फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास फिफ्थ चैप्टर नंबर 6 विच वन आर यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी होंगी, तो क्या आपने वो प्रॉब्लम्स को आप देख के वहाँ से भाग गए होंगे, या आपने उन्हें अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से उन्हें एक अपॉर्चुनिटीज में चेंज कर दिया होगा। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसे चलिए हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। A young woman went to her mother and told her about the difficulties she was facing in life. She was tired of fighting and struggling in life. एक यंग वूमेन थी जो अपनी मदर के पास गई और उस यंग वूमेन ने अपनी मदर से कहा कि मदर, मेरी जो लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, मैं उनसे फाइट करते करते बहुत थक गई हूँ, मैं और स्ट्रगल नहीं कर पाऊँगी। हर मदर टुक हर टू द किचन। शी फिल्ड द 3 पॉट्स विथ वाटर। इन द फर्स्ट शी प्लेस कैरेट, इन द सेकेंड शी प्लेस एग, एंड इन द लास्ट शी प्लेस ग्राउंड कॉफ़ी बीन्स। तो उसकी जो मदर थी उसने क्या किया कि वो उसे लेके गई अपने किचन में और उन्होंने 3 पॉट लिए और तीनों पॉट में उन्होंने वाटर को फिल कर दिया। और फिर उन्होंने क्या किया, पहले पॉट में उन्होंने कैरेट डाल दिए, दूसरे पॉट में उन्होंने एग डाल दिए और तीसरे पॉट में उन्होंने कॉफ़ी बीन्स डाल दिए। ओके, शी लेट देम बॉयल फॉर हाफ एन आवर। उन्होंने उसे आधे घंटे 30 मिनट्स तक उन्होंने उसे बॉयल होने दिया। देन शी टर्न ऑफ द बर्नर्स एंड टुक द कैरेट एंड एग आउट एंड प्लेस देम इन ए बोल। तो आधे घंटे बाद उन्होंने उसे टर्न ऑफ बर्नर्स को टर्न ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, और फिर जो कैरेट्स और एग थे उन्होंने उन्हें एक बोल में डाल दिया। और फिर फाइनली शी स्ट्रेन द कॉफ़ी बीन्स। फिर उन्होंने जो कॉफ़ी बीन्स हैं उसे पोर कर लिया। आप लोग छलनी जानते हैं ना, उससे उन्होंने जो सॉलिड पार्ट था उसे उन्होंने छान लिया और जो लिक्विड पार्ट था उसे उन्होंने किसमें एक कप में डाल दिया। टर्निंग टू हर डॉटर शी आस्क्ड, टेल मी व्हाट डू यू सी। अपनी डॉटर की तरफ मुड़ के उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्या देख रही हो। कैरेट्स एग एंड कॉफ़ी, शी सैड। तो उसकी ये इसकी मदर है और ये डॉटर है, तो इसकी मदर ने इसकी तरफ टर्न होकर कहा कि अब तुम क्या देख रही हो। तो ये कहती है कि मैं द कैरेट्स एग और कॉफ़ी देख रही हूँ। द मदर बॉट हर क्लोजर एंड आस्क्ड हर टू फील द कैरेट्स। शी डिड एंड नोटिस दैट दे वर सॉफ्ट एंड मशी। सो उसकी मदर ने फिर उसे क्लोजर लाया और फिर कहा कि फील द कैरेट्स, कैरेट को फील करो। शी डिड एंड नोटिस दैट दे वर सॉफ्ट एंड मशी। तो फिर वो जो गर्ल थी, डॉटर थी, तो उसने क्या देखा कि उसने अपनी मदर की बात सुनी और फिर उसने नोटिस किया कैरेट को, तो उसने क्या देखा कि जो कैरेट थी वो बहुत ही सॉफ्ट हो गई थी और वेट हो गई थी। शी देन आस्क्ड हर टू टेक एन एग एंड ब्रेक इट। आफ्टर पुलिंग ऑफ द शेल शी ऑब्जर्व दैट द हार्डन एग फाइनली ऑब्जर्व द हार्डनेड एग फाइनली शी आस्क्ड हर टू सिप द कॉफ़ी। तो फिर उसकी जो मदर थी उसने क्या कहा कि अब एग को ब्रोक करो। तो फिर जब उसने एग को उठाया तो उसने क्या देखा कि जो हार्डन पार्ट था तो पहले ही वो ब्रोक हो चुका था उसका। फाइनली शी आस्क्ड हर टू सिप द कॉफ़ी। फिर उसने कॉफ़ी को सिप करने के लिए कहा, मतलब कि टेस्ट करने के लिए कहा। द डॉटर स्माइल्ड एज शी टेस्टेड इट डीप फ्लेवर एंड इनहेल इट रिच इन अरोमा। मदर व्हाट डज इट मीन, शी आस्क्ड। डॉटर ने जैसे ही उसे सिप किया तो वो हंसी और उसकी जो डीप फ्लेवर था उसे उसने ब्रीथ किया और जो उसकी प्लीजेंट स्मेल थी उसे ब्रीथ किया उसने और मदर से पूछा कि इसका मतलब क्या था। उसने अपनी मदर से पूछा, मदर व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या था। द मदर लुक एट हर
daughter and explained she see the carrots, egg and coffee beans had each faced the same difficulties, the boiling water, how will each one react differently because of its attitude. तो मदर ने लुक उसकी डॉटर को लुका लुक किया उसकी तरफ देखा और उसे समझाया कि जो कैरेट्स है और कॉफ़ी बिन थी उन सब ने एक ही डिफ़िकल्टीज को फेस किया है, बॉइलिंग वाटर, गर्म पानी, उबलता हुआ पानी, पर हाउ वेर ईच वन रिएक्ट डिफरेंटली बिकॉज ऑफ इट्स एटीट्यूड. और सब लोग ने रिएक्ट डिफरेंट किया, अलग किया है लोग के एटीट्यूड की वजह से. द कैरेट वेंट इट इज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बट इन बॉइलिंग वाटर इट बिकम सॉफ्ट एंड वी. द एग वॉज फ्रैगल विथ थिन आउट शेल. इन साइड द बॉइलिंग वाटर इट बिकेम हार्ड. हाउ वेयर द ग्राउंड कॉफी बीन्स वेयर यूनिक. आफ्टर दे वेयर एक्सपोर्टेड टू द बॉइलिंग वाटर दे चेंज द वाटर एंड क्रिएट समथिंग न्यू. पहले जो कैरेट था वो स्ट्रॉन्ग था और हार्ड था, पर जैसे ही वो बॉयल हुआ वो सॉफ्ट और वीक हो गया. पहले जो ब्रेक था वो आसानी से ब्रोक और डैमेज हो सकता था, पर जब वो बॉयल हो गया तो वो हार्ड बन गया. उसकी जो था वो एग सॉफ्ट हो गया. हाउ वेयर द ग्राउंड कॉफ़ी बीन्स वेयर यूनिक. और जब भी वो ग्राउंड कॉफ़ी बीन्स यूनिक कैसे हो गई, क्योंकि उन्होंने जो बॉयलिंग वाटर है उनकी जो बीन्स थी वो उसने उससे अपने बॉइलिंग वाटर में ही मिला लिया. एंड क्रिएट समथिंग न्यू. और उसने अपनी कॉफ़ी बीन से कुछ नया बना लिया. विच वन आर यू, आस्क्ड द मदर टू हर डॉटर. मदर ने उसकी डॉटर से कहा कि तुम अब कौन सी हो. व्हेन फेस्ड विद डिफिकल्टी ऑलवेज रिएक्ट लाइक द कॉफ़ी बीन्स. होल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड फेस द चैलेंज इन सच अ वे दैट यू चेंज द प्रॉब्लम इंटू अपॉर्चुनिटी. तो फिर उन्होंने कहा कि तुम बहुत से लोग ऐसी ही प्रॉब्लम फेस करते हैं, और जब भी तुम भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करो तो तुम भी कॉफ़ी बीन की तरह रखो, ऐसी ही एटीट्यूड दिखाओ, ताकि तुम जो है फेस चैलेंज कर जब तुम चैलेंज फेस करो तब तुम जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसे तुम अपॉर्चुनिटी में चेंज कर दो. मेक थिंग वर्क इन योर फेवर थ्रू अ पॉजिटिव एटीट्यूड. आपके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से जो आपकी जो थिंग्स है वो आपके फेवर में वर्क करें. तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे ये चैप्टर ओवर होता है. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा. बाय बाय.